अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मेहदी हसन आमिर और आप इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल सोनी धरती देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। मैं इस वक्त अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तकीम की शादी खाना आबादी में मौजूद हूँ, जहाँ पे डेरा मलिक मोहम्मद याकूब टेट पे एहतमाम किया गया है। बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, ये आपको खुला मंजर सारा नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी और ये इंतज़ाम मैं आपको दिखा दूँ पहले, उसके बाद मैं आपको खाने का मंजर भी दिखाऊँगा, जहाँ जहाँ पर खाना जो है पक रहा है, बन रहा है, तो वो मंजर भी आपने देखना है। ये देखें, बड़ा खूबसूरत मंजर है और मेहमान जो है अभी आ रहे हैं, उनकी आमद शुरू है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पंडाल में जो है आप देखेंगे खाना लगा हुआ होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो है खाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं खाना कैसे बन रहा है और कौन कौन बना रहे हैं। दोस्तों, खाना तैयार होता पे सारे भतीजे मोहम्मद मुस्तकीम की शादी खाना आबादी के मौके उत्ते ये खूबसूरत इंतज़ाम आपको नज़र आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारा मंजर दिखाने की। और ये देखें कारीगर साहब जो है, ये देखों की दो लाइनें जो हैं ये वाजे आपको नज़र आ रही हैं, जो लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये 30-40 देगें जो हैं ये बजा के वक्त बनाई जा रही है। कारीगर साहब ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, कल की शादी में भी बहुत अच्छा खाना बना हुआ था और आज की शादी में भी ये बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। तो ये देखें आप, ये इस वक्त आपको सारा मंजर नज़र आ रहा है इस खूबसूरत शादी का। ये मैं आपको ये लाइन दिखाता हूँ, जो देगों की लाइनें लगी हुई हैं और ये काफ़ी सारी देगें जो हैं एक ही वक्त में इन्होंने रखी है और एक ही वक्त में तैयार कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है बजा के वक्त देगें तैयार करना, साथ मिठाई भी तैयार करना और सालन भी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे जो कारीगर हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैनेज कर रहे हैं और बना रहे हैं। ये थोड़ी देर के बाद खाना सर्व किया जाएगा। ये देगें तैयार हो चुकी हैं, एक लाइन इस साइड पे है और इस साइड पे जो लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, ये अभी तैयार हो रही है। इसके बाद तीसरी लाइन जो है वो भी यहाँ पर ही रखी जाएगी, तो ये फिर सारा खाना जो है मुकम्मल हो जाएगा, जैसे ही मेहमान पहुँचेंगे उनके सामने पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे नाल इस शादी के कारीगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौजूद हैं, तो असं इन्होंने गलबात कही है, कल इन्हें कितनिया देगा पकाइया ने, अज कितनिया पकाइया ने। अज तो थानू मैं पहले दस्या भी है 30-35 देगा जड़िया हैं, बजा के वक्त ठिके टाइम में रख के पकाते पे ने, बड़ा मुश्किल काम है। तो चलो गलबात कही है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, उस्ताद जी खरीयत है, ये दसो भी कल वाली शादी जी है वो कितनिया देगा पकाइया? 35-40 देगा एक टाइम में रख दी जो वक्त वक्त ना बनाए। अच्छा, दो हिस्सों में बनाए, मिठाई भी आई ना के हाई जड़े खा के गए बंदे पर रिपोर्ट केड़ी है पड़ी है ठीक आई है? मैं आप खा दी तारीफ की है बनया, तो थोड़े उस्ताद कौन है इस काम के? अच्छा, राणा कमर इस्लाम। आज कितने पकाए थे? आज तकरीबन 40। अच्छा, 40 दे गए ठीक है। उनको 40 दे जो तैयार की थी खलोते हो या हले रात? तकरीबन अधियां तैयार हैं, कटियां। अच्छा, अधियां तैयार ठीक है। हूँ मैं नंबर दस है, सोचा थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ ना आई, ताकि जो दोस्त रबता करना चाहें थोड़े ना रबता कर सकते हैं। 0301-31-13-500-49। बड़ी मेहरबानी नाजरीन, तुसा उस्ताद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दी गल्लां सुनिया ने, ये साडे इलाके दे मशहूर कारीगर हैं। और अगर तुसा कोई फंक्शन है तुहाडा, किसी भी किस्म का तकरीब है, शादी दी है या कोई होर फंक्शन है मिलाद शरीफ का, तो तुसा इन्हें नंबर दसा दिता है, तुसा इन्हें रबता कर सकते हो। बेहतरीन अंदाज खाना पकाते हैं और हर किस्म के खाने पकावन के माहिर हैं।